तो यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज हम खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो मतलब आपको मत सिखा, चल। मैं चाहता हूं आप ये वाली गेम प्ले वीडियो पूरी एंड तक देखें, और जिनको भी पसंद आए लाइक शेयर दोनों का। नहीं आज की वाली गेम प्ले वीडियो में हम क्या करेंगे, हम पहले तो एक सर्वाइवल वर्ल्ड बनाएंगे, उसके अंदर हमको एंड तक सर्वाइव करना है, कम से कम 2 डेज तक। माइनक्राफ्ट में जो 2 डेज होते हैं, असलियत में 2 डेज नहीं, तो हमको 2 डेज माइनक्राफ्ट के अंदर जो दिन होते हैं जो बढ़ते रहेंगे, हमको वो 2 दिन सर्वाइव करने हैं अच्छी तरह, पूरा माइन वाइन करके हमको अपना एक घर भी बनाना है, पूरा हम सब कुछ करेंगे। सबसे पहले तो गाइज हम अपना एक वर्ल्ड क्रिएट करते हैं। सो लेट्स गो गाइज, क्रिएट न्यू पे जाते हैं। हाँ, तो क्रिएट न्यू वर्ल्ड, और वर्ल्ड का कोई भी नाम लिख देते हैं, जैसे कि संस्कारी। गाइज देखो बड़ा फनी नाम है, पर चल जाएगा। क्रिएट पे जाते हैं, क्रिएट कर दिया हमने नया वर्ल्ड। तो अब हमको सर्वाइव करना है जितने देर तक हम सर्वाइव कर सकते हैं। सो लेट्स गो गाइज, बिल्डिंग टेरेन, जनरेटिंग वर्ल्ड। अभी हमारा वर्ल्ड जनरेट हो रहा है। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। Another one. So let's go guys, हम वर्ल्ड के अंदर आ चुके हैं और हमको पेड़ के ऊपर स्पॉन किया। Let's go guys, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हमको वुड चाहिए होगी, सबसे मेन तो इसमें वुड ही होता है। जब भी आप आते हो सर्वाइवल वर्ल्ड में, तो सबसे पहले तो आपको वुड ही चाहिए होता है, ताकि आप अपने इक्विपमेंट्स बना सको, एक्स, पिकैक्स, स्वॉर्ड, रात में सर्वाइव करने के लिए। तो ठीक है, 3 ब्लॉक्स हो चुके हैं, 4 ब्लॉक्स वुड के, 5 ब्लॉक्स हो चुके हैं। लेट्स गो गाइस, बस इतना ठीक रहेगा अभी हमारे लिए। और शीप भी मिल गई, वाह, हमारी किस्मत बहुत अच्छी है, क्योंकि शीप से हमारा घर बनेगा अच्छा मेरा, ताकि हम, अरे लेट्स गो गाइस, अरे वो लगी जा रही है, कोई नहीं, लेट्स गो गाइस, हम इसे मारेंगे भी। कहाँ जा रही है ना, भागते। लेट्स गो गाइस, ये 2 शीप के तो हमें भूल मिल चुके हैं, पर हमें 3री शीप भी ढूंढनी पड़ेगी, तभी हमारा बेड कम्प्लीट होगा। हमारे साथ मार देते हैं, मीट मिलेगा ना इससे। लेट्स गो गाइस, आगे बढ़ते हैं, और शीप तो कहीं दिख नहीं रही, ये रही शीप, मिल गई गाइस, माय किस्मत। ओके, हमें 3रा बुल का भी मिल चुका है। पहले तो हम इसे वुडन ओक लॉक को हम पहले प्लैंक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। अरे ओक लॉक को हमने गिरा दिया, एक ही बचा था, वो जब हम शीप को मारे थे तो बाकी सारे ओक लॉक्स वहीं पर गिर गए, मतलब लग गए उनसे गलती से। लेट्स गो, हमें क्राफ्टिंग टेबल भी बनाना पड़ेगा, पर अभी इतने हैं नहीं हमारे पास। अभी क्राफ्टिंग टेबल बन गया, अब हम और भी वुड करते हैं। सबसे पहले और वुड हम ले लेते हैं, क्योंकि अभी हमें बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है वुड की। अंदर, हाँ ओके, 3 वुड ब्लॉक्स आ चुके हैं। सामने सर, सामने सर, अरे फिर इन्होंने वेस्ट करवा दिया मेरे, तेरी वजह से, मेरे ब्रेक की वजह से सारे मेरे, रुक जा, ये भी इसे। लेट्स गो गाइस, अब ये वापस से कलेक्ट करना पड़ेगा, मेरे से गलती से यही लग जाता है, कोई नहीं, अब ये फिर से और कलेक्ट कर लेते हैं। हम इस समय मीट से तोड़ रहे हैं बोर्ड को, अजीब ही। ओके, हमारे लिए 7 ब्लॉक्स काफ़ी हैं, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्राफ्टिंग टेबल प्लेस करते हैं, उसके अंदर जाके हमको सबसे पहले ओक ब्लॉक्स देने हैं, ओक प्लैंक सॉरी, उसके बाद फिर हमको यहाँ पर जाके स्टिक्स ऐसे स्टिक्स बनानी है, स्टिक्स बना ली, उसके बाद फिर हमको यहाँ पर जाके हाँ यहाँ पर जाके हमको फिर यहाँ पर प्लेस करना है स्टिक्स को, फिर पिकैक्स बनानी है, सबसे पहले पिकैक्स बना ली, उसके बाद फिर हमको बनाना है एक्स, फिर उसके बाद बनानी है हमको स्वॉर्ड। लेट्स गो गाइस, हमने बना लिया, और सबसे पहले तो हम ये कलेक्ट कर लेते हैं क्राफ्टिंग टेबल, क्योंकि ये आगे भी काम आने वाला है, अब हर समय तो हम बोर्ड कलेक्ट नहीं करते रहेंगे क्राफ्टिंग टेबल के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं गाइस, ऊपर की तरफ सबसे पहले जाते हैं। ओके, तो हमें एक बहुत अच्छी जगह मिल चुकी है, जहाँ पर बहुत सारी माइंस भी हैं, अभी आपको दिखाता हूँ, अभी मैंने माइंस देखी है, जैसे कि ये एक माइन है, और वहाँ पर भी बहुत सारी माइंस हैं, तो ये टाइप का माइन एरिया, और हमें सामने कोल भी दिख चुका है। लेट्स गो गाइस, यहाँ से हमें स्टोन, कोल बहुत कुछ मिल जाएगा, जिससे हम अपने आइटम को और अपग्रेड कर सकते हैं। अरे हम खाते थे, लेट्स गो गाइस, सबसे पहले ये तो होते हैं, हम इसके लिए हमें शवल बनानी चाहिए थी, मैंने गलती कर दी कि शवल ही बनाई मैंने,
मेरे को शवल बनानी चाहिए थी ताकि आसानी से हम डर्ट को तोड़ सकें। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से सामान कलेक्ट करके सबसे पहले तो हम अपने सर्वाइवल के लिए घर बनाएंगे। ओके, हम कोल के पास आ चुके हैं, पहले कोल इकट्ठा करते हैं, उसके बाद फिर स्टोन्स। ओके, हमारे पास अभी कितना कोल हो गया, हमारे पास अभी 5 कोल हो गए हैं, पर अभी हम और भी कलेक्ट करेंगे क्योंकि अभी 5 हमारे लिए काफ़ी नहीं है। हमें कम से कम ना कम से कम तो 1 स्टैक टॉर्च का तो चाहिए क्योंकि हमें माइंस में जाना है लंबी लंबी, क्योंकि इधर माइंस बहुत सारी हैं, तो हमें माइंस में जाना है तो फिर हमें कोल बहुत सारा चाहिए। गाइस आगे बढ़ते हैं, इधर वैसे भी बहुत सारा कोल है क्योंकि एक टाइप की माइन एरिया, तो माइन एरिया में तो बहुत सारा कोल मिलेगा, कोल स्टोन्स, इधर गोल्ड डायमंड भी मिल सकता है पर उसके लिए बहुत अंदर जाना पड़ेगा माइन के, और अभी हम जितना मिल रहा है उतने में ही रहते हैं। ओके, इतना कलेक्ट हो चुका है, बाहर निकलते हैं, अब ऊपर चढ़ते हैं, थोड़ा बहुत स्टोन भी कलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि अभी हम आइटम बनाने हैं स्टोन्स के। ओके, हमने स्टोन का बहुत सारा आइटम कलेक्ट कर लिया, मतलब बहुत सारा स्टोन आ चुका अभी हमारे पास मेरे ख्याल से। हाँ, हमारी पिकैक्स भी टूटने वाली है पर कोई बात नहीं, हम नई पिकैक्स बनाएंगे वो भी इस बार स्टोन की। जल्दी से जितना स्टोन हो सकता है उतना स्टोन कलेक्ट करते हैं। ओके गाइस, तो अभी हमारे पास 25 कोल हो चुका है और 31 स्टोन हो चुका है, तो अभी हमारे लिए काफ़ी है 31 स्टोन और 25 कोल, तो ये देखो हमने कितना सारा कलेक्ट किया, और यहाँ पर भी हमारे स्टोन बहुत सारे बच गए। लेट्स गो गाइस, अब आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले तो इस एरिया में हम अपना घर बना लेते हैं, घर बनाना सबसे ज़्यादा जरूरी है, छोटा सा घर बना लेते हैं ताकि, और यहाँ पर एक बेड भी बना लेते हैं क्योंकि अगर हम रिस्पॉन करें तो हम यहीं पर करें, क्योंकि अगर हम बाई चांस अगर हम डेंजर में आ गए, जैसे रात को ज़ोंबी से बचना होता है, तो हम इधर आके छुप सकते हैं। अब जैसे 1, 2, 3, 4 का गैप देके इधर बनाते हैं। लेट्स गो गाइस, अब इधर से खींचते हैं। करते हैं काम खत्म, दोस्तों का है जी ये प्यारा जमघर, हमारा घर जीवन पूरी तरह से नहीं बना और हमको आगे तक सर्वाइव करना जब तक हम कर सकते। ओके गाइस, हमारे पास बहुत सारे ओक वुड लॉग्स आ चुके हैं, अब हम इसे ओक प्लैंक्स में कलेक्ट कर लेते हैं और फिर अब हम इसे चेस्ट बना लेते हैं, चेस्ट में सामान इकट्ठा करेंगे। अब लेट्स गो गाइस, चेस्ट में सामान रख देते हैं जो भी हमारे काम का नहीं है, जैसे कि ये नहीं है, अभी ये नहीं है, कोल रख देते हैं, और ये अभी काम का अभी हमको इसका घर बनाने वूल रख देते हैं, एक्स का भी अभी काम है, हमने एक्स भी रखी, ये अंदर रख देते हैं, मीट रख देते हैं ये भी, और ये क्या है, डायोराइट, डायोराइट भी रख देते हैं, सॉल्ट ऊपर रख लेते हैं, मीट इधर रख लेते हैं। ओके गाइस, इतना हमारे काफ़ी है, तो अरे ये गलत लग गया, पिकैक्स हमारी टूट गई थी, तो अब हम स्टिक्स पर ही, हाँ स्टिक्स पर ही, तो पहले तो स्टिक्स लेते हैं, उसके बाद फिर क्राफ्टिंग टेबल में जाते हैं और नई स्वॉर्ड मतलब स्टोन पिकैक्स बनाते हैं, स्टोन पिकैक्स बनाई, उसके बाद फिर जो हमारा ये स्टोन फालतू में लग गया था हम इसे कलेक्ट कर लेते हैं। ओके, अब हम अपना घर कंटिन्यू करते हैं बनाना। लेट्स गो गाइस, ठीक है, और नीचे से भी खा देते हैं थोड़ा, फिर से वो खत्म हो गया, तो नीचे से हम ऐसा करते हैं हम अपनी एक स्टोन से बना देते हैं बाकी घर, ये भी कलेक्ट कर लेते हैं, चेस्ट थोड़ा अंदर लगा देंगे, सारा सामान कलेक्ट हो चुका है, बेड भी सही जगह पे एकदम सेट करेंगे, क्राफ्टिंग टेबल भी कलेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो यहाँ पर अपना फिर से गलत ले लिया मैंने, सबसे पहले हमको यहाँ से स्टार्ट करना है। लेट्स गो गाइस, यहाँ से भी ये भी कर दिया हमने और ये भी कर दिया हमने, ये नीचे का ढंग से सेटअप नहीं है तो हम यहाँ पर भी स्टोन लगा देते हैं, ये थोड़ा बड़ा बन गया पर कोई नहीं, इधर भी थोड़ा और लगा देते हैं।
ओके गाइस, एकदम सही बन चुका अभी, और जैसे ही पूरा घर बनता है मैं आपको दिखाता हूँ। तब तक हम जल्दी जल्दी से बना लेते हैं, जल्दी जल्दी से जितनी चीज़ें कलेक्ट होकर जितना भी बन सकता है उतना बनाते हैं। ओके गाइस, तो हमारा अभी स्टोन खत्म हो गया, तो मैं स्टोन कलेक्ट करने गया था, तो अभी हमारा स्टोन भी आ चुका है बहुत सारा, जिससे अभी हम अपना घर कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब छोटा है घर, इतना भी अच्छा नहीं है, पर हाँ अभी के लिए ठीक है। और अरे बार बार गलत लग जाता है। ओके, ये हमने कलेक्ट कर लिया, उसके बाद फिर हमको यहाँ पर एक रखना है, इसके ऊपर हम चढ़ेंगे और इधर से, और हम फिर से गिर गए। ये हो क्या रहा है? कोई नहीं गाइस, हम अपना पहले तो कंप्लीट करते हैं। ओके, यहाँ का भी हो गया, यहाँ का भी कंप्लीट हो गया, और यहाँ का हम बना देते हैं, जैसे कि हमने ऐसे किया तो ऐसे, अरे हमारा फिर से ख़त्म हो गया, पर हमारे लिए अभी इतना ठीक है। जैसे कि अभी हमारे लिए ये वाला घर ठीक है अभी के लिए, तो अब हम कर देते हैं, हमारा बेड यहाँ पर है, तो अभी हम बेड लेते हैं और बेड को जल्दी से प्लेस कर देते हैं। बेड प्लेस कर दिया, फिर उसके बाद चेस्ट प्लेस कर दी, चेस्ट के अंदर सामान भी प्लेस कर दिया, और फिर अंदर से हमने क्राफ्टिंग टेबल। ओके गाइस, तो अब हम पहले तो अपनी क्राफ्टिंग टेबल सेट कर देते हैं घर में। ओ, क्राफ्टिंग टेबल आई नहीं, क्राफ्टिंग टेबल यहाँ पर सेट कर दी, और यहाँ से हमने अपने घर पे लगा दी। ओके, अभी के लिए हमारा घर ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और माइन में जाके ढूंढते हैं कितना कुछ मिलेगा अच्छा खासा। ओके, सबसे पहले टॉर्च बना लेते हैं, माइन में जाने से पहले टॉर्च बनाना बहुत ज़रूरी है। लेट्स गो गाइस, 20 टॉर्चेस हमारे लिए बहुत हैं अभी माइन में जाने के लिए। कौन सी माइन में जाएँ? वो भी माइन में जाते हैं। लेट्स गो गाइस, पानी में ये टूट गया, थोड़ा सा डैमेज हो गया, पर कोई नहीं गाइस, आगे बढ़ते हैं। ओके, ये माइन अंदर जा रही है, बल्कि अंदर नहीं बाहर निकाल रही है, हम वापस से उसी तरफ जाते हैं। ओके, ऊपर चढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। और गाइस हाँ, अगर आपको ये भी गेम जैसे प्ले स्टोर पर पेड मिलती है, आपको पे करना पड़ता है, मतलब जैसे एंड्रॉयड आईफोन में आपको ऐप स्टोर या प्ले स्टोर पर जाकर माइनक्राफ्ट के लिए पे करना पड़ता है, पर मैं ऐसा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जिससे अगर आप डाउनलोड करोगे तो आपको कोई पेमेंट नहीं देनी पड़ेगी, आपकी वो वर्जन जो प्ले स्टोर में होगी या ऐप स्टोर में होगी वो वर्जन डाउनलोड होगी। जैसे करते हैं, सबसे पहले तो सामान हाथ में रखते हैं ताकि ऊपर चढ़ने में आसानी हो। अब ये चढ़ गए, चलो गाइस फिर आगे बढ़ते हैं। अब ले लिया, उस पर फिर ये कलेक्ट करते हैं हमारे ज़रूरतमंद के लिए, मतलब ज़रूरी। अरे नहीं नहीं नहीं, नीचे नहीं करना, अरे बच गए। अभी हमारी हेल्थ भी बहुत कम है, खाना खा लेते हैं गाइस। घर पे जाना है और जल्दी से दिन करना है। माइनक्राफ्ट इतनी भी मुश्किल नहीं है, बस इसमें सर्वाइव करना होता है और वर्ल्ड को डिस्कवर करना होता है हमको पूरा। ये भी कुछ है, ये क्या चीज़ है, ये लेते हैं एक बारी। ओके, गिरा ना कहीं पे, हाँ ये आ। ओके पम, अच्छा पम्पकिन था वो, दिखा नहीं ढंग से पम्पकिन है ये। अरे रास्ता भटक गया क्या? मैंने कोऑर्डिनेट्स भी नहीं लिए थे, जहाँ पर अपना घर लगाया था वहाँ पर कोऑर्डिनेट्स भी नहीं लिए थे। और क्रीपर, क्रीपर नहीं नहीं, अब यार ये क्रीपर भी नहीं, नो बच गए, ये तो हमारे साइड में ब्लास्ट हुआ है। अब पता नहीं इसकी प्रजाति के और कितने हैं, यहाँ पर और भी घूम रहे होंगे इसकी प्रजाति के, यहाँ पर तो नहीं। और ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस, पता नहीं हम एकदम घूम से गए हैं, एकदम स्नो वाले एरिया में हम घूम से गए हैं, नीचे आराम से बढ़ते हैं पहले तो। लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं, स्पाइडर्स भी हैं इधर तो, अब तो गए हम। स्वॉर्ड निकाल लेता हूँ, स्पाइडर्स को मारेंगे पहले तो, हम बचने के लिए मारना ही पड़ेगा। स्केलेटन्स और इनके प्रजाति के सारे मेरे पीछे पड़े, आ जा निकल। इसकी प्रजाति का तो नहीं आ रहा ना कोई। ओके, वो वहाँ पर हैं, हम पतली गली से साइड से निकल लेते हैं। अरे वो भी आ गए, जैसा कि आप देख पा रहे होगे ना। तो गाइस हम मर गए। तो यही था हमारा सर्वाइवल चैलेंज था, कि हमको सर्वाइवल वर्ल्ड में हमको सर्वाइव करना है, एंड तब जब तक हम कर सकते हैं। तो हमने 2 डेज तक सर्वाइव किया, हमने माइनिंग भी की, हमने डिस्कवर भी किया वर्ल्ड को, मतलब इतना भी नहीं किया पर उतना किया जितना कर सकते थे। हमने माइंस में गए, टॉर्चेज लगाई, मतलब माइनिंग की, अपना घर भी बनाया था, पर हमको एंड मैच में हमको घर नहीं मिला, तभी हम मर गए। पर गाइस कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो ज़रूर आएगी जिसमें हम अच्छे से सर्वाइव करेंगे, और 2 डेज से ज़्यादा करेंगे, हम एक और सर्वाइवल चैलेंज आएगा। तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर दोनों कर देना, जो भी नया चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली गेम प्ले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।
और हाँ, अगर आपको भी ये गेम डाउनलोड करनी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर आपको डाउनलोड करनी है, पेड वाली नहीं है ये, इस लिंक से आप डाउनलोड करोगे तो विदाउट एनी पेमेंट आप डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस, आज की वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली गेम प्ले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए।